हाँ दोस्तों, तो हाथ हम जा रहे हैं ऋषिकेश, और ऋषिकेश के जो ब्लॉग है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो हम अभी है हाईवे पे, हाईवे का दृश्य देख रहे हो, काफी तेज तेज गाड़ियां यहाँ पे चल रही हैं, और यहाँ से हमारा जंगल स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से सफर काफी अच्छा होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, पूरी आपको जानकारी मिलेगी कि हम सफर कैसे करें और यहाँ के मौसम क्या है। मौसम तो आप देख ही रहे होंगे, यहाँ पे गर्मी काफी ज्यादा है और हरा भरा भी पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, काफी मनमोहक दृश्य है यहाँ का। तो चलते हैं, रास्ते का दृश्य आपको दिखाते हैं। रास्ते का दृश्य काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है यहाँ का, तो अभी आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, पीछे आपको दिख रहा होगा। अब सवाल आता है कि हम हरिद्वार से ऋषिकेश कैसे पहुंचे, तो हम आपको दिखा दें। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे बस और टेम्पो की सर्विस एनी टाइम यहाँ पे होता है, और ट्रेन की भी सुविधा आपको मिल जाएगा। किराए की बात अगर कहें तो पर पर्सन आपसे टेम्पो या बस में 50 से 60 रुपए लगेंगे। यहाँ से हम राजा जी नेशनल पार्क जा सकते हैं। जैसे ओवरब्रिज से नीचे की ओर आएंगे, उल्टे हाथ में हमें जाना होगा। अगर आप कहें तो मैं राजा जी नेशनल पार्क का भी वीडियो बनाऊंगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, उसके हिसाब से मैं आप सबके लिए यहाँ की वीडियो लेके आऊँगा। जैसे ही हम ब्रिज पे चढ़ते हैं, ऋषिकेश के मनमोहक दृश्य आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे ही ऋषिकेश की प्रारंभ सीमा स्टार्ट हो जाती है, वैसे ही हमें काफ़ी खूबसूरत दृश्य भी देखने को मिल जाते हैं। जो दृश्य है ऋषिकेश से, पहाड़ और हरे भरे पेड़ पौधे के आपको देखने को मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा मनमोहक होते हैं, जैसे कि अभी आपको देखने को मिलेंगे हमारे चैनल में। अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आपको ऐसे ही सुंदर सुंदर वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। अब आप कह रहे होंगे कि हम कहाँ पे हैं, अभी हम आपको यहाँ का दृश्य दिखाएंगे, फिर आपको बताएंगे कि हम अभी कहाँ पे हैं। अब तो आपको पता चल गया होगा कि हम अभी कहाँ पे हैं। योग नगरी रेलवे स्टेशन, जो कि हरिद्वार से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस में ऋषिकेश का ये नया रेलवे स्टेशन है, और यहाँ की सुंदरता आप देख के समझ ही जाएंगे कि यहाँ पे कितना अच्छा हमें महसूस होगा। आप जब भी आए तो ऋषिकेश रेलवे स्टेशन भी एक बार जरूर विजिट करें। अभी हमें प्राइवेट बस स्टैंड, यहाँ पे हमें बस के लिए और टैक्सी के लिए सुविधा मिल जाती है। अगर आप कहीं भी जाना चाहें यहाँ से, तो आपको टैक्सी की सुविधा मिल जाएगी, आप यहाँ से बुकिंग कर सकते हैं। वो था प्राइवेट बस स्टैंड, और ये है रोडवेज जो कि गवर्नमेंट का है। अभी हम आपको दिखाएंगे, दोनों के डिस्टेंस नहीं के बराबर है। अभी हमारी एंट्री हो रही है, काफ़ी गर्मी है, आपको शायद वीडियो में भी दिख रहा होगा। ये हम आ चुके हैं ऋषिकेश के बस स्टैंड पे। बस स्टैंड पे सुंदर दृश्य आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप चार धाम यात्रा करना चाह रहे हैं और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो यहाँ पे आप निःशुल्क रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये जो दृश्य आप अभी देख रहे हैं, ये मई का दृश्य है, मई मंथ का। मई मंथ से आपको पता है चार धाम यात्रा स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे चार धाम यात्रा के लिए बुकिंग रजिस्ट्रेशन काउंटर लगा हुआ है, तो आप यहाँ से बुकिंग करा सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। हमारी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी आ रहा होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि चार धाम या ऋषिकेश में राफ्टिंग और ऋषिकेश में स्टे की सुविधा कहाँ पे सबसे बेस्ट है लो प्राइस में। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। हर हर गंगे,